वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, इस क्रू ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे इन्होंने मोबाइल शेयरिंग सेटअप के बारे में कंप्लीट जो है वीडियो मांगा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको मोबाइल शेयरिंग सेटअप सारा कुछ जो भी जरूरत होगी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखो और वीडियो को लाइक जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। तो देखो, सबसे पहले जो जरूरत होगी आपको शेयरिंग सेटअप बनाने के लिए, आपको कम से कम 5 से 10 आईडी की जरूरत होगी। तो देखो, 10-15 आईडी जो है 10 मिनट मेल का यूज करके आप आसानी से बना सकते हो। देखो, ब्राउजर पे यहाँ पे सर्च करोगे 10 मिनट मेल, तो इससे रिलेटेड आपको नीचे में देखोगे तो ढेरों आपको वेबसाइट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये वाला वेबसाइट है, ये वाला वेबसाइट है, ये है 10minutemail.com, ये है tempmail.org। इसी तरह से जैसे जैसे नीचे करोगे ढेरों आपको यहाँ पे जो है इससे सिमिलर ढेरों आपको वेबसाइट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर देखो मोबाइल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल में प्ले स्टोर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और जो भी आप यहाँ पे सर्च करोगे यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिला है, इसका सभी के आपको ऐप्स भी देखने को मिल जाएंगे, मैक्सिमम के आपको ऐप्स देखने को मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर। तो आप प्ले स्टोर से क्या करो कि ये पहले आप इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के बाद इससे कोशिश करो कि आईडी बनाने की। तो यहाँ पे देखो कि अगर इससे आपका आईडी नहीं बनता है तो यहाँ पे आपको जीमेल अल्टरनेटिव यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव मैं लिखता हूँ, जैसे आप जीमेल अल्टरनेटिव लिखोगे तो यहाँ पे देखो जीमेल अल्टरनेटिव से रिलेटेड यहाँ पे एक 7 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। अगर सातों में अगर आपने अकाउंट बनाया, जैसे कि देखो यहाँ पे एक है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसमें भी आप जैसे जीमेल अकाउंट में आपका फेसबुक सपोर्ट करता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटलुक है ये भी एक मेल है, इसको भी फेसबुक सपोर्ट करता है और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद याहू मेल आप लोग जानते ही होंगे, इससे भी बना सकते हो। उसके बाद है प्रोटॉन मेल, उसके बाद है एप्पल मेल, एप्पल आईफोन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद है विंडोज़ मेल, विंडोज़ मेल फॉर विंडोज़ फ्री, ये भी फ्री है, ये प्रीमियम है, कुछ कुछ फ्री भी है। मेलबर्ड है, इसके बाद एडिशन है, उसके बाद और भी अगर इसके मैं पोस्ट में जाऊंगे तो और भी हमें देखने को मिल जाएगा। नीचे में भी इस पोस्ट में भी दिया गया है, और भी यहाँ पे सर्च कर लेना आपको कितने सारे 20-25 आपको अल्टरनेटिव देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो इसके ब्लॉग में यहाँ पे 13 बेस्ट जीमेल अल्टरनेटिव यहाँ पे इसके ब्लॉग में दिया हुआ है। तो इसी तरह से आप ब्लॉग पढ़ो और जो भी यहाँ पे फ्री होंगे उसे आप यूज करके आप आईडी बना लो सबसे पहले। अब देखो फ्रेंड्स, जब एक बार आपका आईडी बन जाता है, 10 या 20 आईडी आप बना लेते हो या फिर 15 भी आईडी अगर आपने बना लिया, तो अब उसको लॉगिन वगैरह कैसे करना है, ये पहले आप लॉगिन करने से पहले तो पहले आप ये जान लो कि लॉगिन करना कैसे है। तो देखो, जब भी लॉगिन करोगे एक मोबाइल में तो ये जो आपका एक मान लो ये सिम कार्ड है और ये आपका एक दूसरा सिम कार्ड है, ये है आपका 1 वाला सिम कार्ड और ये है आपका 2 वाला सिम कार्ड। तो इन दोनों सिम कार्ड में जो आप जिस भी एक से अपलोड करोगे वीडियो उसको आप सिर्फ एक ही फेसबुक आईडी से लॉगिन करके रखना। जैसे मान लो कि इस आईडी से आपने वीडियो को अपलोड किया तो इससे एक ही आईडी को आप लॉगिन करना, और इसमें भी आप डाटा पैक भरा लेना, और इससे आप जो भी आपके शेयरिंग सेटअप है 10-15 आईडी जो भी है आप डाटा जो होता है सिम 1 से सिम 2 में अपने मोबाइल फ़ोन में कर दोगे और सिम 2 से आप लॉगिन करोगे। अब लॉगिन कैसे करना उसे देखने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि देखो कि मोबाइल में आपको पैरलर ऐप देखने को मिल जाएगा और ऐप क्लोनर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐप क्लोनर, जब सर्च करोगे प्ले स्टोर में हो सकता है कि आपको नहीं मिले, लेकिन अब अगर आप ब्राउज़र में आके सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला एक है ऐप क्लोनर ऑफिशियल होम पेज, इसके वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पर मैं विजिट करता हूँ, तो इसका जो एक एप्लीकेशन बना हुआ है आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन पर। यहाँ पर देखो ये यहाँ पे है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और आप इसको डाउनलोड करने के बाद ये हो सकता है कि प्रीमियम वाला हो, ये आपको चार्जेस करेंगे। तो जो भी आपको फ्री वाला मिलता है उसी फ्री वाले ऐप क्लोनर को आपको इंस्टॉल कर लेना है, या फिर अपने आप हिसाब से जैसे कि करते हो आप अपने हिसाब से, कोई सा भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप इंस्टॉल करो और उससे 10 आईडी को क्लोन कर लो, और 10ों में ऐप में आपको अलग अलग कलर लगा देना है जैसे कि सभी करते हैं। लगाने के बाद 10-15 आईडी को आप लॉगिन कर लो, लॉगिन करने के बाद आपका हो गया शेयरिंग सेटअप बन जाएगा, और आपको 10-15-20 आईडी अगर आपने शेयरिंग सेटअप बना लिया, अगर आप रेंटेड ग्रुप में काम करते हो तो आपको ज़्यादा चांसेस रहेगा। अब देखो लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन तो मैंने बता दिया कि सिम 1 में आपको एक
जो है आईडी को लॉगिन करना है, जो जिससे आप वीडियो अपलोड करोगे, और वीडियो अपलोडिंग वाला सिम को अलग रखोगे और शेयरिंग वाला सिम को आप अलग रखोगे। अब जब लॉगिन करोगे आप, तो देखो लॉगिन जब करोगे, डेटा में जाओगे, इसमें सिम टू में डेटा कनेक्शन दोगे, यहाँ पे इसमें आपने एगो आईडी को लॉगिन करके ही रखा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद सिम टू में आपने मान लो कि लॉगिन करना है, तो कम से कम 5 मिनट का अब जो है टाइमिंग देना। जैसे कि मान लो कि एक आईडी में आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद उस आईडी में 5 मिनट तक कम से कम रहना और कुछ पोस्ट वगैरह करना और लाइक वगैरह करना दूसरे तीसरे की वीडियो को, और उसके बाद उसको उससे रिमूव हो जाना, मतलब कि बाहर हो जाना उस ऐप से। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको फिर से दूसरे ऐप में विजिट करना, उसमें भी 5 से 7 मिनट तक रुकना है। ऐसे ऐसे करके आपको लॉगिन करना है। अगर आप ऐसे करके लॉगिन नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका आईडी चेक पॉइंट पर चला जाएगा। उसी तरह से आप बनाने टाइम में भी इतने ही टाइम का अंतराल रखना कि जब एक आईडी आपका बन जाता है तो कम से कम 4 से 5 मिनट 10 मिनट तक उस आईडी में विजिट करना, उसके प्रोफाइल पिक्चर वगैरह को लगाना, सब कुछ करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करना। तो इससे क्या होता है कि फेसबुक समझता है, फेसबुक का जो एआई टूल्स है वो समझता है कि हाँ ये लीगल बंदा है और सही से ये काम किया है, अकाउंट वगैरह बनाया है। तो इस तरह से आपका आईडी चेक पॉइंट पे नहीं जाएगा। तो इस तरह से लॉगिन भी करना है और आपको आईडी भी क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मैंने जो इस वीडियो में आपको जानकारी दी है, इस जानकारी से आप जरूर अपना शेयरिंग सेटअप बना लोगे। तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं एक एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए।